ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। नोटपैड अध्याय के अंतर्गत आज हम कुछ और चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे टेक्स्ट सेलेक्ट करना, डिलीट फंक्शन का उपयोग, अंडू फंक्शन का उपयोग, कट फंक्शन का उपयोग और कॉपी फंक्शन का उपयोग। आइए सबसे पहले सीखते हैं मैटर सेलेक्ट करना। दरअसल अगर आप आगे के फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं, चाहे आपको मैटर डिलीट करना हो या कट करना हो या कॉपी करना हो, इन सब के लिए आपको सबसे पहले मैटर सेलेक्ट करना होगा। तो देखते हैं मैटर सेलेक्ट कैसे किया जाए। नोटपैड आपके सामने खुला हुआ है और अब हम मान लीजिए इसमें काम कर रहे हैं और हमने कोई मैटर टाइप किया। हमने टाइप किया हाउ टू सिलेक्ट एनी टेक्स्ट। मान लीजिए ये हमारा मैटर है जो हमको टाइप करना था और इसमें से आपको लग रहा है कि टेक्स्ट में कुछ गड़बड़ है और आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमको इस शब्द को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के लिए हमारा कर्सर अभी टेक्स्ट के एंड में है, तो आप चाहें तो पीछे से आगे की तरफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे से पीछे की तरफ भी। जैसे हमारा कर्सर यहाँ है तो यहीं पर आप पॉइंटर को रख करके आगे की तरफ ड्रैग कीजिए जहां तक आपको सिलेक्ट करना है और फिर छोड़ दीजिए कि टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका है कि अगर आप इसको आगे से पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं तो पहले आप अपने कर्सर को यहाँ लाएं और इसके बाद यहाँ पर पॉइंटर रखकर उसे पीछे की तरफ ड्रैग कर लें। एक बार मैटर सिलेक्ट हो जाने पर मेन्यू बार पर दूसरे ऑप्शन एडिट में जाएं और नीचे ड्रैग करते जाएं, ये आप आ गए डिलीट पर। इसे क्लिक कर दीजिए और ये हमारा मैटर डिलीट हो गया। आपने मैटर डिलीट कर दिया पर बाद में मान लीजिए तुरंत आपको लगता है कि नहीं, उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो ठीक था और आप उसको वापस लाना चाहते हैं, तो उसको वापस लाने के लिए हम अंडू फंक्शन का प्रयोग करते हैं। उसके लिए वापस आप मेन्यू बार पर एडिट में जाइए, क्लिक कीजिए और सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिया है वो है अंडू, उस पर आप क्लिक कीजिए और ये देखिए आपका मैटर वापस आ गया। ये सिलेक्ट हटाने के लिए आप बाहर एक बार क्लिक कर दें और जो आपने सिलेक्शन किया था वो हट जाएगा। ये तो हमने अंडू करने के लिए माउस का प्रयोग किया और उसकी मदद से अंडू फंक्शन को उपयोग में हमने लिया। इसे आप कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। वो कैसे करें उसे हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम हाउ डिलीट करना चाहते हैं और हमने हाउ को डिलीट कर दिया। अब हम इसे वापस लाना चाहते हैं और हमें अंडू फंक्शन का प्रयोग करना है और माउस की बजाय आप कीबोर्ड से ये करना चाहते हैं। उसके लिए पहले आपको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबाना होगी और उसके बाद कंट्रोल की को दबाए रखते हुए जेड की दबा दें। ये देखिए आपका हाउ फिर से आ गया। ये दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप और आप एडिट में देखें कि इस तरह के दूसरे भी जो सभी फंक्शंस हैं उसके आगे शॉर्टकट कीज लिखी हुई हैं। इस तरह से आप चाहे तो माउस की मदद से इन फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं और चाहे तो अपने कीबोर्ड पर शॉर्टकट कीज की मदद से इन फंक्शंस को उपयोग में ला सकते हैं। अब हम सीखते हैं अगला फंक्शन जो है कट फंक्शन। हमारे सामने ये दो लाइन का मैटर है। अब मान लीजिए आप ऊपर की जो लाइन है उसको यहाँ से हटा करके कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना होगा। तो जैसा आपको बताया गया था सिलेक्ट करने की मेथड, उस हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर लें और इसके बाद हम जाएंगे मेन्यू बार पर एडिट ऑप्शन में। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कट, आप इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ से जो मैटर है वो कट गया। अब जहाँ आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर माउस से वहाँ क्लिक कर दीजिए। अब हमारा कर्सर वहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ पर वापस आप एडिट फंक्शन में जाइए और पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए।
अब हम सीखते हैं कॉपी फंक्शन का प्रयोग करना। कॉपी फंक्शन में मान लीजिए यहाँ पर कोई भी शब्द है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, मतलब वो ऐसा कोई शब्द है जिसे आपको बार बार लिखने की जरूरत है, तो आप उसे कॉपी कर सकते हैं। कोई भी मैटर हो, शब्द हो जरूरी नहीं, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी मैटर है जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आप उसे सिलेक्ट करें, आप एडिट पर जाएं, क्लिक करें और यहाँ पर कॉपी फंक्शन जो है उस पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर लें। अब इस कॉपीड मैटर को आप जहाँ पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आपका कर्सर होना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक किया और ये हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया। अब इसे आपको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए फिर से एडिट पर जाएं, पेस्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करें और ये देखिए फंक्शन यहाँ पर पेस्ट हो गया। इस तरह से आप इसे कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं, पर हर बार वो पेस्ट वहीं होगा जहाँ पर आपका कर्सर है। अब मान लीजिए इसे आप यहाँ पेस्ट नहीं करना चाहते, अगली लाइन में पेस्ट करना चाहते हैं, और अगर आप इसे अपने पॉइंटर को अगली लाइन पर ले जाकर के क्लिक करेंगे तो वो वहाँ नहीं जाएगा। इसके लिए आपको करना यही होगा कि एंड में, जब लाइन के एंड में कर्सर हो, तब आप अपने कीबोर्ड पर एंटर की को प्रेस कीजिए, ये अगली लाइन में आ जाएगा। अब आप एडिट पर जाएं, पेस्ट ऑप्शन क्लिक करें, ये देखिए वापस से फंक्शन वहाँ पर पेस्ट हो गया। नोटपैड अध्याय के अंतर्गत इस भाग में हमने सीखा टेक्स्ट सेलेक्ट करना, डिलीट फंक्शन का उपयोग करना, अंडू फंक्शन का उपयोग करना, कट फंक्शन का उपयोग करना और कॉपी फंक्शन का उपयोग करना।